Hello my dear friends, I hope you all are doing good. I welcome you all to our channel, to your channel, Home Science A Way Forward. मैं आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। Link of our previous videos has been given in the description box below. If you haven't watched it yet, go watch it out for better understanding of the subject. In this video, we'll tell briefly about scope of home science after class 12 and also will tell you in detail about BA in home science. तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो. Let's get started. Keep watching our video for a mid-person session. क्लास 12 के बाद होम साइंस में आप तीन तरह के कोर्सेज परस्यू कर सकते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज एंड डिग्री कोर्सेज. सर्टिफिकेट कोर्सेज का ड्यूरेशन 3 मंथ से 1 ईयर तक हो सकता है. डिप्लोमा कोर्सेज का ड्यूरेशन 1 ईयर से 2 ईयर्स तक रेंज कर सकता है. एंड डिग्री कोर्सेज आर फर्दर डिवाइडेड इंटू 2 कैटेगरीज, दैट इज BA इन होम साइंस एंड BSc इन होम साइंस. तो आइए आज BA के बारे में बात करते हैं. दोस्तों, BA क्या होता है? BA का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ आर्ट्स, जो कि एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है. BA इन होम साइंस में होम साइंस एक सब्जेक्ट के तौर पर रहता है और इसी के साथ आपको 2 सब्जेक्ट और चूज करने पड़ते हैं, जैसे कि साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एक्सेट्रा. बैचलर ऑफ आर्ट्स की ड्यूरेशन 3 साल की होती है और इसका जो एग्जाम पैटर्न होता है वो या तो एनुअल एग्जाम होते हैं या फिर सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है. BA इन होम साइंस का एडमिशन प्रोसेस कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है. कुछ कॉलेजेस अपना खुद का एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराते हैं और कुछ कॉलेजेस मेरिट बेस्ड एडमिशन पर रिलाई करते हैं. नाउ हियर इज अ लिस्ट ऑफ टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफरिंग BA इन होम साइंस इन इंडिया. यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, University of Calcutta, University of Rajasthan, MSU Baroda, University of Kerala and many more colleges are offering BA in Home Science. BA in Home Science के बाद आप higher education में MA in Home Science, PhD and MPhil भी कर सकते हैं और साथ ही में आप कुछ अन्य जैसे सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा, जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, वो भी कर सकते हैं. BA इन होम साइंस में अगर आप हायर एजुकेशन परस्यू करते हैं तो आपको इन सेक्टर्स में प्लेसमेंट मिल सकता है. कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, कमर्शियल रेस्टोरेंट्स, कंसल्टेंसी एंड काउंसलिंग सेंटर, अपैरल मर्केंटाइजिंग, फूड इंडस्ट्री, एक्सटेंशन वर्कर, इंटीरियर डिजाइनिंग फर्म्स. होम साइंस, तुझे क्या खाना बनाना सीखना है? यही सबसे बड़ा मिथ है सभी के मन में. होम साइंस मतलब खाना बनाना, लेकिन यह एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है और अगर आप होम साइंस के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो हमारा वीडियो देखते रहिए. चाहती तो मैं भी थी होम साइंस में ग्रेजुएशन करना, पर स्कूल में तो मेरे पास ना ही साइंस थी और ना ही होम साइंस थी. अगर होती तो आज ना जाने मैं कहाँ होती. होम साइंस
किसी भी स्ट्रीम के साथ आप ले सकते हैं। अगर आपने 11, 12 में होम साइंस नहीं भी पढ़ी तो भी आप होम साइंस में अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर सकते हैं। अच्छा, तो तूने बीए में हिस्ट्री और ज्योग्राफी ले लिया है, तो साथ में ऐसा कर होम साइंस ले ले, एक लाइटर ऑप्शन हो जाएगा साथ में। लाइटर ऑप्शन या राइट, जो पहले से होम साइंस परस्यू कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं, हमें उनसे जाके पूछना चाहिए कि ये कितना लाइट है, एंड इसमें भी आपको उतनी ही एफर्ट और उतना ही टाइम देना पड़ता है जितना कि आपको और सब्जेक्ट्स को देना पड़ता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मैं आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए मददगार रहेगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक माय वीडियो, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस बेल आइकन बटन। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय। अगर आप होम साइंस में करियर परस्यू करना चाहते हैं तो प्लीज हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें जो कि बीएससी होम साइंस पर आने वाला है, और फिर सही चुनाव करें। मेक द राइट चॉइस।